हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हैप्पी एप्रन। आज मैं आपके लिए मटर मेथी मलाई की रेसिपी लेकर आई हूँ एंड आई होप कि आपको ये बहुत पसंद आएगी। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए और चलिए देखते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले मैंने एक बर्तन में 2 कप पानी लिया है और उसमें मैं 1/2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ और साथ में डालेंगे 1/2 टीस्पून चीनी, और चीनी के बाद मैं इसमें 1 कप मटर डाल रही हूँ और इन्हें 5 मिनट के लिए ढककर बॉईल कर लेंगे। यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं, हम मटर को एक बार चेक कर लेंगे। आप चाहें तो इन्हें प्रेशर कुकर में 1 सीटी लगाकर भी बॉईल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मटर उबलकर तैयार है और अब मैं इन्हें एक प्लेट में निकाल लूंगी। अब नेक्स्ट प्रोसेस में मैंने एक पैन लिया है और उसमें हम 1 चम्मच घी ऐड कर देंगे और साथ में हम इसमें मेथी ऐड करेंगे जो मैंने अच्छे से वॉश करके रफली कट कर ली है। यहाँ मैंने 2 कप फ्रेश मेथी का यूज किया है। अब इसे मैं एक बार मिक्स कर रही हूँ और साथ में मैं इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून नमक, और नमक को भी मेथी के साथ मिक्स कर लूंगी और इसे इसी तरह से चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर 8 से 10 मिनट तक के लिए भून लेंगे। ये देखिए, मेथी अच्छे से पक चुकी है और अब हम इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे। अब सेम पैन में मैं 1 चम्मच देसी घी और ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो ऑयल का यूज भी कर सकते हैं। घी के गर्म हो जाने पर मैं इसमें 1 कप रफली चॉप की हुई प्याज डाल रही हूँ। यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज की प्याज का यूज किया है। साथ में मैं डाल रही हूँ 2-3 हरी मिर्च और करीब 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, और इन्हें 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। प्याज के अच्छे से भून जाने के बाद इसमें मैं 2 टमाटर रफली चॉप करके डाल रही हूँ और अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे, और साथ में मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, ये डालना एकदम ऑप्शनल है। साथ में मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, और ये मसाले डालने के बाद इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। और मिक्स कर लेने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप पानी और एंड में डाल दूंगी 8 से 10 काजू, और इन्हें एक बार मिक्स करके 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। यहाँ मैं लिड हटा रही हूँ और ये अच्छे से कुक हो गया है। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे ठंडा कर लूंगी। यहाँ मैंने इसे ठंडा करके एक ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफर कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी एक प्यूरी रेडी कर लूंगी। अब नेक्स्ट प्रोसेस में मैंने एक पैन लिया है और साथ में डालेंगे 1 चम्मच घी। आप चाहें तो ऑयल का यूज भी कर सकते हैं। घी के गर्म हो जाने पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून जीरा। जीरा जैसे ही कुक हो जाएगा तो अब उसमें हम डाल देंगे वो प्यूरी जो हमने बनाकर रखी थी, और इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी साथ में ऐड किया है, और अब मैं इसके साथ ही साथ डाल रही हूँ बॉईल किए हुए मटर। साथ में डालेंगे मेथी जो हमने भून कर तैयार करके रखी थी। इसे एक बार अच्छे से ग्रेवी में मिक्स कर लेंगे। और मिक्स कर लेने के बाद मैंने इसमें 1/2 कप पानी ऐड किया है, और इसे एक बार मिलाकर हम ढककर 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। अब हम बीच में हटाकर इसे एक बार चेक भी कर लेंगे। ये काफी थिक है, इसलिए मैं इसमें 1/2 कप पानी और ऐड कर दूंगी और साथ में 1/2 कप दूध भी ऐड कर दूंगी। ध्यान रखें कि आप दूध डालते टाइम गैस का फ्लेम एकदम लो कर दीजिए या ऑफ भी कर सकते हैं, जिससे दूध फटेगा नहीं। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो दूध ज्यादा भी डाल सकते हैं। अब मैं इसे फिर से ढककर 3 से 4 मिनट के लिए पका लूंगी। यहाँ 4 मिनट के बाद मैं लिड हटा दूंगी
और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर। आप कम खट्टा खाना पसंद करते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। साथ में डालेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला और थोड़ा सा नमक मैं और ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। अब इसको हम एक बार मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद मैं यहाँ गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर रही हूँ और फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 से 4 चम्मच मलाई। यहाँ मैंने सिंपल घर की दूध वाली मलाई का यूज किया है। और इसे मैं मिक्स करके 2 मिनट के लिए और पका लूंगी। दो मिनट पका लेने के बाद मैं यहाँ गैस का फ्लेम बंद कर रही हूँ और ये देखिए अब ये डिलीशियस सी मटर मेथी मलाई सर्व करने के लिए एकदम रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, दी हैप्पी एप्रन को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करते हैं तो प्लीज हमें बताइए कि आपको कैसी लगी।